के द्वारा मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, और जब पहली बार आया हूँ तो मुझे ये देखकर इतनी खुशी हो रही है कि हम लोग सिर्फ पोस्टरों के लिए, होर्डिंगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये लोग ये जो कार्य कर रहे हैं वो पृथ्वी पे, ज़मीन पे काम कर रहे हैं, और वो दिख रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो यहाँ कितने कितने गड्ढे हैं, यहाँ कितने कितने बड़े जो कूड़ा कचरा है उसका, जो कितना बड़ा ऊंचा पहाड़ है उन्होंने उसको बदल के रास्ते बना दिए, इन्होंने उनको बदल के एक ऐसी सुंदर स्थान बना दिया कि जहाँ लोग भ्रमण कर सकते हैं, जहाँ जमुना मार्ग जैसी थिंकिंग यमुना मिशन की है। अगर यही थिंकिंग जो बड़ी बड़ी बातें जमुना जी के लिए करते हैं, अगर उनकी होती या हों या आगे हो जाएं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार तो सिर्फ हमारा मुंह देखती रहेगी, हम उनसे अच्छा काम हम लोग खुद कर सकते हैं अगर यही सब चीज़ों में हम जुट जाएं एक साथ में। तो जैसा इन्होंने करके दिखाया है, ये अभी दिल्ली नहीं गए लेकिन इन्होंने मथुरा ही सुंदर बना दिया, मथुरा का घाट सुंदर बना दिया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये अगर हम लोग सब मिलकर, जो भी साधु संत हैं, कथाकार हैं, ऐसे समाज सेवी हैं, अगर इन सबके मन में ऐसी भावना आ जाए और मथुरा वृंदावन के ही लोगों के मन में आ जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जमुना के तट ऐसे हो जाएंगे कि लोग दुनिया छोड़कर सिर्फ जमुना के इन तटों का दर्शन करने के लिए आया करेंगे। इतना सुंदर कार्य इन्होंने।